खरगोन नगरीय निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 33 में से 32 वार्डों की सूची शनिवार तड़के सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सूची जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में असंतोष भी नजर आया है। भाजपा में फिलहाल वार्ड क्रमांक 12 के उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, वहीं कांग्रेस में मंथन जारी है। शनिवार समाचार लिखे जाने तक सूची जारी नहीं की गई थी। कांग्रेस ने भले ही सूची जारी नहीं की हो, लेकिन जिन्हें इशारा मिल चुका है उन्होंने नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं। अब दोनों दलों में बगावत के बाद निर्दलीय मुसीबत बढ़ा सकते हैं। शनिवार को नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख होने से कलेक्टर कार्यालय परिसर में भारी गहमागहमी का माहौल रहा, जहां दिन भर लोग नामांकन जमा करने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। तो कई प्रत्याशी जिनका नाम तय हो चुका है, वे अपने वार्ड में कौन दावेदारी कर रहा है उसकी स्थिति को भांपने के लिए मौजूद रहा। हालांकि 22 जून को नाम वापसी के बाद ही परिदृश्य साफ हो पाएगा। चुनावी समारोह में मतदाताओं को कौन कितना प्रभावित कर सकता है, राजनीतिज्ञों की माने तो इस बार लगभग हर वार्ड में निर्दलीय संख्या अधिक हो सकती है, जो परंपरागत दलों का गणित गड़बड़ा सकते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।